सो है गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 18 फीट बाय 33 फीट का एक बेहतरीन हाउस प्लान। आप ही लोगों ने कमेंट किया था तो मैं ये प्लान लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लॉट साइज 18 फीट बाय 33 फीट का मेजरमेंट लेंगे। ये प्लान मैंने वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा है, जिससे ये प्लान और भी बेहतर हो जाता है। आई होप आप सबको ये प्लान अच्छा लगेगा। देखो, घर बनवाने का सपना हर किसी का होता है। मैं इन वीडियोस के थ्रू आपके उसी ड्रीम को पूरा करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। देखो, घर बनवाने के लिए मतलब आपको बेसिक इसका नॉलेज होना चाहिए, घर का मतलब बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और ये बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा कहाँ से? तो ये मिलेगा आपको YouTube से। YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके थ्रू आपको हेल्प मिल जाएगा, आपको सीखने को मिल जाएगा, उसके बाद से आप अपना घर अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक बात और कि मेरे 98% ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आप ही लोगों ने कमेंट किया था तो मैं ये प्लान लेके आया हूँ। और इसमें आपको 1 बेडरूम 1 पूजा रूम 1 कॉमन बाथ कम लेटरिंग 1 पार्किंग एरिया, ये सब और बहुत कुछ है आगे आपको मिलेगा। इसके डायमेंशन मैं आपको शेयर करूँगा आगे। सो गाइज, अब ये प्लान रेडी हो चुका है। चलो अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट, आप यहाँ से मैनुअली भी रख सकते हैं। एंड यहाँ मैंने रखा है पार्किंग के लिए। ये अपना पार्किंग एरिया, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है लेकिन अच्छा ही है, आप एडजस्ट कर सकते हो। इसका साइज मैंने रखा है 11 फीट 6 इंच बाय 10 फीट का। उसके बाद से अपना ये कॉमन बाथ कम लेटरिन, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट बाय 5 फीट का। उसके बाद से अपना ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। देखो प्लॉट साइज छोटा है तो स्पेस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये इसका मैंने साइज रखा है 10 फीट बाय 10 फीट का। उसके बाद से यहाँ पे आपका मेन डोर आएगा। एंड उसके बाद से यहाँ पे किचन का डोर, और यहाँ पे विंडो आप रख सकते हो, यहाँ पे बाथरूम का डोर। ये अपना किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 10 फीट बाय 6 फीट का। ये बेहतरीन किचन होगा, यहाँ पे डोर, उसके बाद से यहाँ पे डोर। और ये है अपना पूजा रूम, जिसका साइज मैंने रखा है 4 फीट 6 इंच बाय 10 फीट का। एंड उसके बाद से अपना ये बेडरूम का साइज मैंने रखा है 12 फीट बाय 10 फीट का। काफ़ी अच्छा ये साइज निकला है, आपका बेडरूम काफ़ी अच्छा होगा इतने में। एंड ये वेंटिलेशन एंड विंडोज़ मैंने शो कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अब आगे इसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। इसका कॉलम एंड बीम साइज आपका 10 इंटू 12 इंच का रहेगा। एंड 16 mm कॉलम में आपको 16 mm का डोर 4 यूज़ करना है। उसके बाद से आपका वेंटिलेशन साइज रहेगा 2 फीट इंटू 1 फीट का, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है मैंने। उसके बाद से आपका विंडो साइज 3 फीट इंटू 4 फीट 3 फीट इंटू 5 फीट 4 फीट इंटू 5 फीट, जो भी अच्छा लगे आप रख सकते हो। डोर साइज आपका 3 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का रखा है मैंने। एंड पूजा रूम एंड टॉयलेट डोर्स 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट का, और मेन डोर आप 4 फीट का रख सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ऐसे और हाउस प्लान के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए हाउस प्लान के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद।